सोहागपुर पुलिस ने शादी के लिए खनमिट्टी लेकर आ रही कुछ महिलाओं को रोककर उन्हें मास्क वितरित किए। आपको बता दें, सोहागपुर पुलिस थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी अजय तिवारी ने देखा कि कुछ महिलाएं एक झुंड में अपने सर पर टोकरी रखकर आ रही थी। पूछने पर पता चला कि यह सभी शादी के लिए खनमिट्टी लेकर आ रही हैं। परंतु यह महिलाएं मुंह पर मास्क नहीं लगाई हुई थी। थाना प्रभारी ने इन्हें रोककर पुलिस कांस्टेबल को मास्क लाने के लिए कहा और इन महिलाओं को वितरित किए। साथ ही इन महिलाओं को समझाइश भी दी कि आइंदा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले व सोशल डिस्टेंस का पालन करें। पुलिस थाने के सामने चल रही आपदा प्रबंधन की बैठक में उपस्थित SDM और तहसीलदार ने थाना प्रभारी की इस पहल की प्रशंसा की। सोहागपुर में लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घूमने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने की चालानी कार्यवाही। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जहां केंद्र सरकार ने चौथे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, परंतु अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तथा अनावश्यक रूप से वाहनों से घूम रहे हैं। सोहागपुर पुलिस ने आज इन्हीं बिना काम के वाहनों से घूमने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों पर पुलिस थाने के सामने स्टेट हाईवे 22 पर चालानी कार्यवाही की। सोहागपुर थाना उपनिरीक्षक रिपुदमन सिंह राजपूत ने बताया कि आज शाम की गई चेकिंग में जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे थे, उन वाहन चालकों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई है और जिन वाहन चालकों के पास अनुमति या पास थे, उन्हें जाने दिया गया। जहां कोरोना वायरस पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है, वहीं भारत में भी इससे संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में पहुंचने वाली है। कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जागरूकता और इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोहागपुर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोहागपुर के विभिन्न वार्डों में लोगों को जागरूक और कोरोना वायरस की जानकारी देने के लिए जागरूकता संदेश लिखवाए जा रहे हैं, ताकि यह संदेश पढ़कर लोग जागरूक हो और मास्क का उपयोग करें और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, ताकि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले। सोहागपुर में शर्तों के साथ प्रशासन के आदेश पर 5 घंटे कुछ दुकान खुली। कल शाम बैठक में निर्णय लिया गया कि सोहागपुर में 5 घंटों के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक फुटवियर, रेडीमेड एवं जनरल स्टोर खुले रहेंगे, परंतु दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजर व मास्क का उपयोग करना होगा। आज सुबह जब बाजार में कपड़ा, फुटवेयर और जनरल स्टोर की दुकान खुली, तो बाजार में धीरे धीरे ग्राहक भी आने शुरू हुए। व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर सैनिटाइजर व साफ पानी की व्यवस्था की हुई थी, ताकि ग्राहक हाथ धोकर की दुकान में प्रवेश करें, परंतु व्यापारी संघ द्वारा सभी व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने व मास्क पहनकर रखने का अनुरोध करते हुए देखा गया। वहीं कुछ दुकानों पर जब भीड़ लगी तो व्यापारी संघ के लोगों ने जाकर ग्राहकों को समझाया, जिसके बाद आज बाजार में लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई तथा प्रशासन का यह प्रयास सफल रहा। सोहागपुर के लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जूते, चप्पल, कपड़ा व मनहारी के सामानों की खरीदी की। अब यह देखना बाकी है कि आज शाम होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक में कल बाजार में किन दुकानों को खोलने के लिए क्या निर्णय लिया जाता है। होशंगाबाद जिले के सेमरी हरचंद में बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को आए दिन परेशान किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के लिए ना तो कोई व्यवस्थाएं हैं, ना सुविधाएं जैसे पानी, छाया या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी समस्याएं मुंह बनाए खड़ी हैं। भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक लॉकडाउन के चलते अपने चैनल गेट लगाकर कार्य कर रही है। उपभोक्ताओं को बाहर धूप में रखकर अंदर से वाउचर दिए जाते हैं, उन वाउचर को भरकर साइन करके उपभोक्ता कर्मचारी को देता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं के वाउचर जमा होने के बावजूद घंटों बैंक के बाहर इस तपती धूप में खड़े होने को मजबूर होना पड़ रहा है। बैंक के बाहर ना ही कोई पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई सुलभ शौचालय है, ना ही पार्किंग की व्यवस्था है। वहीं बैंक प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सेमरी चौकी प्रभारी राघवेंद्र सिंह चौहान सुबह से शहर में व्यवस्था बनाने में निकले। उन्होंने जिला सहकारी बैंक पहुंचकर उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की बात कही और लोगों को समझाइश दी कि कोई भी व्यक्ति फालतू बाजार में ना घूमे। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, SBI एवं जिला सहकारी बैंक में भुगतान प्राप्त करने लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा शासन के नियमों एवं सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है।